आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के जनपद अलीगढ़ खैर नगर पालिका का सबसे बड़ा सर्वे। अलीगढ़ जनपद की खैर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट सामान्य में होने के कारण इस बार खैर के एक से बढ़कर एक धुरंधर मैदान में है, जिस कारण अब की बार खैर की सीट जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार भाजपा से लगभग 4 प्रत्याशी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, जिनमें संजीव अग्रवाल उर्फ बिट्टू भैया, दीपक शर्मा उर्फ अन्नू आजाद, सीताराम अग्रवाल, परसोत्तम गर्ग का नाम सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि भाजपा किसके नाम के आगे अपनी मोहर लगाती है। वहीं सपा से डॉक्टर डीएल कुशवाहा और बसपा से चौधरी अजब सिंह मैदान में है। इसी घमासान को जानने के लिए हमारी टीम ने घर घर और नगर पालिका से जुड़े गांव गांव जाकर किए सर्वे। में संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू भैया सबसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं। बिंटू भैया का जादू युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका कारण उनको लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा रहना और बिना किसी पद पर रहे बिना गरीब असहायों की निस्वार्थ सेवा, इसकी खासी वजह बताई जा रही है। हाल ही में त्रिवेणी मार्केट खैर में लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की जमीन शौचालय के लिए दान कर दी और साथ ही साथ उसके निर्माण में आने वाले लगभग 5 लाख रुपए की निर्वाह करने की जिम्मेदारी भी स्वयं उठा रहे हैं। ऐसे ही अनेक विकास कार्य लोगों को बिंटू भैया की तरफ खींच रहे हैं। कहीं टूटी पुलिया को बनवा रहे हैं तो कहीं बिजली की लाइन अपने खर्चे से लगवा रहे हैं तो किसी गांव में ग्रामीणों के लाइट कनेक्शन अपनी जेब से कर रहे हैं। ऐसे ही अनगिनत कार्य उन्हें सबसे अलग लाकर खड़ा करते हैं। आइए देखते हैं सक्षम न्यूज इंडिया की ये खास सर्वे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं खैर के पथवारी मंदिर के पास हावड़ा बस्ती में। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ जानेंगे। जी तो यहाँ पे जो आप रह रही हैं, बड़ी समस्या का जैसे सामना आपको करना पड़ रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा किस तरीके की समस्या आपका सामना आपको यहाँ करना पड़ता है। हमारा यहाँ सारा नुकसान हो गया पानी भरने से। हम उसके पास भी गए, SDM के पास भी, वो जब भी सुनवाई नहीं ली। पटवारी के पास गए, जब भी सुनवाई नहीं ली। विधायक के पास गए, किसी ने हमारी सुनवाई अब तक नहीं ली है और हमारा काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पर। तो अभी जैसे यहाँ पे मिट्टी वगैरह का जो कार्य कराया है, ये किसने कराया है? बिंटू भाई साहब ने कराया है। बिंटू भाई साहब, तो जैसा देखने के लिए आ रहा है कि वो जो है यहाँ से चेयरमैन प्रत्याशी हैं खैर से, तो अगर वो यहाँ से खड़े होते हैं तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? जो हमारे साथ है, गरीबों की मदद कर रहा है, उसको हम भूल जाएंगे? हम कभी नहीं भूल सकते उसके, उन्हीं के साथ रहेंगे हम। यहाँ आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं खैर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में? देखिए, पहली बात तो ये सेकुलर होना चाहिए और दूसरा कास्टिज्म नहीं होना चाहिए और उनका कार्यकाल भी जो भी हो गरीबों के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब कभी कोई जैसा अनएम्प्लॉयड पर्सन है या इलिटरेट स्टूडेंट होता है या व्यक्ति होते हैं तो अपने काम के लिए जाते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी जाए अपना राशन कार्ड बनवाने जाए, भाई मेरा राशन आसानी से बन जाए, या फिर जैसे बहुत सारी समस्याएं, पुल की समस्याएं गाँव में, या फिर जैसे स्कूल की समस्याएं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो अगर नेता इनकी तरफ अगर ध्यान देगा तो जनता को भी, भाई अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो जनता भी अट्रैक्ट होगी। जब जनता अट्रैक्ट होगी तो जाहिर सी बात है वो अपना नेता चुनेगी। अगर जैसे किसी ने भूतपूर्व पर जैसे काम किया हो, अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया हो, जैसे अच्छा काम किया हो, तो लोग अभी भी वहीं की तरफ लगे हुए हैं। तो अभी जैसे ये नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव हाल ही में नज़दीक आ रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो बिंटू भाई साहब को करेंगे। तो क्या ऐसा कारण है कि बिंटू भाई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि और भी दिग्गज मैदान में है? बढ़िया आदमी है, पहले तो शुरू से बहुत फर्स्ट क्लास आदमी है, पहले भी बहुत अच्छे बुरे संपर्क भी हैं और वैसे अच्छे आदमी है, भले आदमी है। खैर चेयरमैन ही थे, बस जहाँ तक बिंटू की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव हाल ही में बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगी यहाँ पे? बिंटू भैया को। तो क्या कारण है कि आप बिंटू भैया को सपोर्ट कर रही हैं? उन्होंने ही वो सारा काम कराया यहाँ पे, बिजली वगैरह है, सारा काम उन्हीं ने कराया। तो क्या किसी और प्रत्याशी ने कभी यहाँ पे, किसी नेता ने कोई कार्य यहाँ नहीं कराया आपके गांव में? नहीं, और तो किसी ने नहीं कराया। मुनेश कुमार। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखे तो नहीं है लेकिन उनका नाम बिंटू है उनको। तो अब बिना देखे आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या? काफ़ी सुना है सन उनके बारे में, काफ़ी देखा तो नहीं है, सुना है, लोग चर्चाएँ करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं,
वैसे आज तक हमारे गांव में किसी ने कुछ नहीं करवाया, आप देख ही रहे होंगे, नल भी टूटा पड़ा है, खम्भे भी हैं और पोखर का भी हाल बुरा है, रास्ता नहीं निकलने के लिए, लेकिन अब उनसे सारी उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है जी। आप खैर के निवासी हैं? प्रॉपर मोहल्ला मालीपुरा। तो आप खैर में किसको अपना चेयरमैन का चेहरा देखना चाहते हैं आगामी चुनाव में? देखना तो बिंटू अग्रवाल चाह रहे हैं साहब। क्यों, क्या कारण है ऐसा? आदमी बढ़िया ईमानदार है। अच्छा, बिजली बुजली को सब चीज़ सुविधा करते हैं वो। अच्छा कौन? बिंटू। जो बढ़िया आदमी उसी को करेंगे हम तो सब। वोट किसे दे रहे हैं? आपकी वोट किसको जा रही है? वो भाजपा को। भाजपा के लिए, यानी कि कैंडिडेट कोई खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसे, अगर जो भी भाजपा से खड़ा होगा आपकी वोट उसके लिए जाएगी। हाँ जी, कैंडिडेट तो कोई सही नहीं है, उन्हें तो कोई वोट देगा ही नहीं। जो नए चेहरे हैं जैसे कि पिंटू अग्रवाल हैं। और क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। यहाँ पे क्या कार्य चल रहा है? ये शौचालय पिंटू भैया बनवा रहे हैं, अपने पैसों से जनता के लिए बनवा रही। वैसे मैं परिचित तो नहीं हूँ, बट संजीव अग्रवाल पिंटू से लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ। आप किसके साथ? संजीव अग्रवाल बिंटू जी। सर नाम क्या है आपका? मेरा? हाँ, नौरंगी सिंह। अभी आगे आने वाले इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? संजीव अग्रवाल बिंटू। तो ऐसा क्या कारण है कि आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं? चेहरे तो और भी दिग्गज खैर के यहाँ पे मैदान में हैं। ऐसा है कि भूखे लोग हैं, जो चेयरमैन कर दे हम आज तक उन कछु ना करो तो दूसरे ये इन्नो जो अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं तो इन्नो बहुत वो कर दो है। ये पुल तो बने, सब आते हैं, सब जीत के चले जाते हैं, कहते हैं इसे कोई आंसू ना देख रहा हूँ। मुझे खैर में आए हुए कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल से मैं यही व्यवस्था देख रहा हूँ। 30 साल में कितने चेयरमैन आए होंगे? 5 चेयरमैन आए होंगे कम से कम, ठीक है, मगर कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी नवरात्रि का मेला लगता है, नवरात्रि के मेले में मैं मानता हूँ कम से कम 3 बजे से पथवारी मंदिर की पूजा चालू हो जाती है, और वो रोड लंबा पड़ता तो सब लोग गांव के रोड इसी रोड से जाते हैं। तो अब अभी बरसात के टाइम पे इतना पानी भरा हुआ था कि इस नदी का पानी मोहल्लों में घुसा है, घरों में घुसा है, मगर शायद किसी नेता को टाइम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी देखने के लिए मिला है कि कुछ पुल भी यहाँ किसी समाज सेवी ने डलवाए हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो काफ़ी समय पहले डलवाया था। नहीं, ये जो नए पुल आए हैं, नए वाले जो पुल आए हैं, तो किसने जी आप बताएं किसने डलवाए? बिंटू ने जी। कौन है ये बिंटू? कौन है ये? अग्रवाल है। अग्रवाल। तो क्या ये नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हैं? जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है, इन्होंने वैसे वाकई में देखा जाए तो इनका ये एक साहसिक और सराहनीय प्रयास है। तो अभी ये जैसे कि प्रत्याशी हैं, तो अगर ये खड़े होते हैं तो क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे? जो कर रहा था सपोर्ट तो करनी पड़ेगा। क्या वो मैंने हमारे यहाँ पे कुछ नहीं किया है, केवल खाली एक सड़क तो दुल करा दी, केवल खाली खम्भे भी लेके आया हूँ अपने ट्रैक्टर से खींच के लेके आया हूँ, लाइट भी नहीं है मेरे वार्ड में, और तुम्हारे जो कच्ची गली पड़ी है वो भी नहीं सही हुई अभी तक, और मैंने 12,90,000 रुपये टेंडर उठवाया था इस सीमानगला में, धार्मिक मंदिर है ना यहाँ पर, मंदिर के लिए निर्माण किया था मैंने, तो बोर्ड की मीटिंग प्रस्ताव करके मैंने पास भी करवा लिया वो। उसके बाद में मट्टी पड़ गई, दीवार भी लग गई, परंतु इंटरलॉक नहीं लग पाई। मंदिर आने के लिए इतना रास्ता ख़राब है कि मान लो हर एक आदमी परेशान है इससे। मैं खैर के गांव बिशनपुरी में, जहां हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानेंगे कि कहां का रुझान चुनाव का उनकी तरफ है। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार, और सर मैं गाँव बिशनपुरी है, और सब यहाँ तो सब ऐसे ही है, सब उसका बिंटू भैया का ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, और जहाँ तक है कि बिंटू भैया की वोट ज़्यादा हैं, और हो सकता है कि वो ही पार है, उसी की ज़्यादा जीत है, उचित से उचित। तो वो तो अभी नए चेहरे हैं राजनीति में, अभी वो नए हैं, कदम रखने ही वाले हैं राजनीति में, तो ऐसा क्या उनके अंदर आप देख रहे हो कि उन्हीं को आप चुनना चाहते हो? सर ऐसा है कि उनका हल्ला ज़्यादा है, और मतलब कि जनता का सुझाव जो है, और बोल चाल में भी, और समाज सेवक आदमी है, अच्छे आदमी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जीत उन्हीं की होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और हैं जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रूप कुमार है जी। जी, आप बताएंगे किसकी तरफ आपका रुझान है? यहाँ पे जैसे कि लगभग 4 से 5 कैंडिडेट यहाँ से हैं, अभी प्रबल दावेदार हैं भाजपा के, इनमें से आप किसको अपने खैर का चेयरमैन देखना चाहते हैं? बिंटू भैया को देखना चाहते हैं जी। जी, कुछ और भी लोग हैं, आइए यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। हाँ भैया, आप इसी गाँव के निवासी हैं? हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? हरेंद्र चौधरी।
अच्छा भैया एक बात बताइए, अभी जैसे यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे किसका चेहरा खैर के जो चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं? बिंटू अग्रवाल। क्यों, ऐसा क्या कारण है? हाँ जी, अच्छे हैं, पहले से ही हितैषी रहे हैं लोगों के। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।